सम्मान देंगे। नमस्कार, विपिन अग्निहोत्री। मेरे सभी अनुदेशक साथियों, माननीय योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय उन्होंने हमारे मानदेय को 17,000 रुपये किया था, तो हम लोगों को बहुत खुशी थी। ये उम्मीद थी कि नई सरकार आई है, नई सोच के साथ अनुदेशक भी आगे बढ़ेगा, उसका भी कल्याण होगा और वो अपने पूरे मन से विद्यालय में शिक्षण कार्य कर पाएगा। हम सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करते हैं, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद आज भी योगी सरकार ने हम लोगों की सुध नहीं ली और 1470 रुपये की हमसे कटौती कर ली। माननीय मुख्यमंत्री से हम सभी का आग्रह है कि हमारा भी परिवार है, हम सभी अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, हमें जो मानदेय मिल रहा था उसमें से भी आपने कम कर दिया। हम सभी आपसे आग्रह करते हैं और हमें भाजपा सरकार से उम्मीद भी है कि आप हमारा मानदेय 17,000 करें, और अगर आप हमारी नहीं सुनते हैं तो मजबूरन फिर हमें इस सरकार बदलने के लिए आगे आना पड़ेगा और हमारे सभी साथी इसके लिए तैयार रहें। हमारी संख्या ही हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है, यहाँ तक कि कोर्ट केस के साथ साथ हम लोग विभिन्न मंचों पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। इस समय शिव कुमार जी और रुद्र प्रताप जी द्वारा जो डिबेट यूट्यूब पर चलाई जा रही है, मेरा सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी उसमें जुड़ें, अपने कमेंट करें और अपने परिवारिक जनों को भी जुड़ें, क्योंकि ये सरकार एक बहरी सरकार हो चुकी है और हम लोग जिस तरह से 4 सालों से इस सरकार से भीख सी मांग रहे हैं, लेकिन ये सरकार हम लोगों की ये बात नहीं सुन रही है। और इसी के साथ पुनः आप सभी से आग्रह कि सभी लोग इकट्ठे और एकत्र होकर इस सरकार के खिलाफ एक बिगुल बजाएं और अपने हक के लिए आगे बढ़ें और लड़ाई लड़ें। आप मीडिया के माध्यम से पता चलता रहा कि आपने जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक अपील की है, प्रार्थनाएं की है, कई बार ज्ञापन भी दिया है, आपने सरकार के लिए निवेदन किया है, तो क्या उस पर क्यों सुनवाई नहीं हो पा रही है? ऐसा कहीं ना कहीं ये जो सरकार है उसकी निरंकुशतावादी सोच भी है और हमारे संख्या बल की भी कहीं ना कहीं कमी रहती है। हमने अपने यहाँ कैबिनेट मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी से मिले, उनको ज्ञापन दिया, उसके अलावा बहुत सारे विधायक मंत्री जिनकी अच्छी पावर है सरकार में, लेकिन वो भी हम लोगों की इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शायद उन्हें अभी हम लोगों का इसकी सरकार आती है। जो भी हमारे संगठन है निदेशक संघ के, सब अपने अपने क्षेत्र में पूरे तन मन से धन से कार्य कर रहे हैं और हमको सिर्फ योगी सरकार से नियमितीकरण चाहिए। मानदेय तो हम कोर्ट से लड़ ही रहे हैं जो उन्होंने हमारा हक नहीं दिया, लेकिन हमें नियमितीकरण चाहिए। योगी सरकार को हमारा नियमितीकरण करना पड़ेगा। हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो भी हमारे इस अनुदेशक हित पे कार्य कर रहे हैं, हम सभी को एक होकर एक मंच पर आना चाहिए। हमारे प्रांतीय जूनियर हाई स्कूल अनुदेशक संघ का ये मत रहता है कि हमारे जितने भी संगठन हैं, जो भी किसी प्रकार का आंदोलन, धरना, प्रदर्शन या जो भी योजना बनाते हैं अनुदेशक हित में, हम पूरे तन मन और धन से उसमें उनके साथ हैं और सभी साथी मिलकर जो भी निर्णय लेंगे हम उसमें सरकार के खिलाफ जाएंगे और अपने हित के लिए लड़ेंगे। सिर्फ हमारी एक ही मांग है कि सरकार हमारा नियमितीकरण करे। ये सरकार ये मनमोजी सरकार है, इसके मन में जो आता है वो करती है। जब अनुदेशकों का मानदेय 17,000 और उनका शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 किया गया तो उनका तुरंत आदेश जारी कर दिया गया, लेकिन अनुदेशकों का हक मार लिया गया। ये सरकार की सोच को दर्शाता है उसके, और कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी भी लापरवाह हैं। अधिकारी सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, क्योंकि जो भी बजट पास हुआ था अगर अधिकारी उसको सरकार के सामने लाते और सरकार उस पर ध्यान देती तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम अनुदेशक हित में होता, लेकिन इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। अभी भी सरकार के पास आचार संहिता लागू होने तक का समय है। अगर सरकार अनुदेशकों के नियमितीकरण नहीं करती, उनके बारे में विचार नहीं करती, नहीं सोचती, तो फिर सरकार के खिलाफ हम लोग एक होकर लड़ेंगे। और इसके अलावा जैसे सरकार ने ये 2,000 रुपये, कभी 1,500, कभी 1,000 सुनने में बात आती है, तो ऐसी बातें मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि एक गरिमामयी मुख्यमंत्री, एक अच्छे मुख्यमंत्री वहाँ पर मंच के माध्यम से लोगों से कहते हैं कि आप जो है कि मैं आपको अनुदेशकों को 17,000 रुपये दूंगा, उनकी चिंता करूंगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वही मुख्यमंत्री उस चीज़ को भूल जाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि मुख्यमंत्री किस मन से क्या कहते हैं और क्या इनकी योजना है, क्योंकि इनकी अपनी वाणी पर खुद ही इन अधिकारियों का और मंत्रियों का कंट्रोल नहीं है। इसलिए मैं पुनः सरकार से आग्रह करता हूं कि आप हमारी मांगों को पूरा करिए, हमें नियमित कीजिए, नहीं तो फिर हम आपके खिलाफ अपने हित के लिए खड़े हैं। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे प्रदेश के सभी अनुदेशकों से अपील है कि ये डिबेट कार्यक्रम जो चल रहा है, 56वें दिन अनवरत चल रहा है, इसमें सभी अनुदेशक जुड़ने का प्रयास करें और पूरा पूरा समय दें। रही बात इस परिप्रेक्ष्य में कि संख्या नहीं बढ़ पा रही है, 7,000 रुपये में
233 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से अंधेशकों के पास मोबाइल की समस्या की वजह से रिचार्ज नहीं करा पा रहा है, जिस वजह से ग्रुपिंग में चार चार पाँच पाँच लोगों का ग्रुप बन रहा है। उस ग्रुप के माध्यम से एक एक मोबाइल में डिबेट देखने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसमें संख्या ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ती है। दूसरी बात, मैं शाहजहाँपुर के सभी अंधेशकों से पुनः एक बार फिर अपील करता हूं कि इस डिबेट रूपी महायज्ञ आंदोलन को सफल बनाने में अपनी आहुति दें, ताकि 7000 मानदेय से मुक्ति मिल सके। मैं प्रदेश सरकार से आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि हमें मानदेय वृद्धि नहीं चाहिए, आप हमें न्यूनतम मानदेय पर नियमित कर दें, अन्वेषक के ही पद पर। आपको कुछ नहीं करना है, अन्वेषकों को नियमितीकरण की टैबलेट दे दें। मुझे टैबलेट लैपटॉप आप बांट रहे हैं उससे मतलब नहीं, सिर्फ अन्वेषकों को एक ही टैबलेट चाहिए, वो है अन्वेषक नियमितीकरण। साथ ही बताना चाहेंगे 17000 में दम नहीं और नियमितीकरण से कम नहीं है। बिल्कुल, सवाल करना चाहूँगा, जैसा कि सर आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी, सुरेंद्र दुबे जी और रुद्र प्रताप दुबे जी मन धन से अपने चैनल के माध्यम से युवाओं की, बेरोजगारों की और स्पेशल कह सकते हैं अनुदेशकों की लड़ाई को, शिक्षा मित्रों की लड़ाई को, वो आज इतने दिन हो गए हैं लगे हुए हैं, आप उनके लिए क्या धन्यवाद के रूप में या कह सकते हैं वो एक आपके गार्जियंस के रूप में काम कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति के लिए? मैं सर्वप्रथम इंद्रदेवों को प्रणाम और नमस्कार सादर अभिनंदन करता हूँ, जो कि हम अंधेशकों की नहीं बीपीएड की तमाम संगठनों की आवाज़ उठा रहे हैं। उनके लिए मैं शिव कुमार मिश्रा जी को, पिता तुल्य सुरेंद्र दुबे जी को और रुद्र प्रताप भैया जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे इस चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना है, सरकार से निवेदन आग्रह, अभी भी समय है आपके पास, अंधेशकों का नियमितीकरण कर दें। हम आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, बीजेपी सरकार के लिए बूथ स्तर पर लग के काम करेंगे और पुनः बीजेपी की सरकार बनाने का काम करेंगे। अगर 2022 से पहले, इलेक्शन से पहले अगर नहीं नियमितीकरण किया गया तो हम इसके खिलाफ भी जा सकते हैं। जी, मैं सुशील कुमार भारती, अनुदेशक 35वीं बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में एथलीट में निर्णायक हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे अनुदेशक भाई, मैंने इस प्रतियोगिता में देखा है हमारे अनुदेशक भाई जमीनी स्तर से काफ़ी अच्छा जो है वर्क कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल में तैयार करना, तैयार करने के बाद उनको पहले नए पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर उनको प्रतिभाग कराते हैं, प्रतिभाओं को तैयार भी करते हैं और साथ में प्रतिभाओं का निर्णय भी करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि मतलब कौन से बच्चे हमारे जीत रहे हैं, कौन से बच्चे जो मायूस हो रहे हैं मतलब हार रहे हैं, तो उनको आगे चल के अन्य अवसर प्रदान होंगे, आगे वो अगली कंपटीशन में, अगली प्रतियोगिताओं में वो जीत सकेंगे। दूसरा, हमने यहाँ पर ये देखा है हमारे जो अनुदेशक भाई का जो कार्य है बहुत ही सराहनीय कार्य है, और वो हर स्तर पर अपने कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं। स्कूल में जाकर के बच्चों को पढ़ाना है, फिर बच्चों को खिलाना है, फिर उनको कंपटीशन की तैयारी करानी है, उसके बाद में उनको कंपटीशन में प्रतिभाग कराना है, और फिर उसमें कंपटीशन में उनका निर्णयन भी करना है। और मेरा जो है एक ही यही आग्रह है कि हमारे जो अनुदेशक भाई हैं जितना कर रहे हैं शायद ही कोई इतना कर पा रहा होगा। ओलंपिक हुआ था, जब ओलंपिक होता है तो हम अधिकतर नज़रें मेडलों पर लगा देते हैं कि हमारे पास कितने गोल्ड आए हैं, कितने सिल्वर आए हैं, कितने ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमने बच्चों को क्या खेल के प्रति प्रेरित किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अगर हम मेडलों पर ध्यान रखना है तो अपने बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित करना है। अब जब हम खेल के प्रति बच्चों को प्रेरित करेंगे तो प्रतिभाएँ आगे निकल करके सामने आएंगी, तो वो हम नए पंचायत से लेकर के इंटरनेशनल स्तर तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभाओं को खोजेंगे, निकालेंगे और बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हमारे पास रिजल्ट भी बहुत बेहतर होगा। और चूंकि हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, जो हमारे अनुदेशक भाई हैं जो कि कला शिक्षा के हैं, शारीरिक शिक्षा के हैं, कंप्यूटर शिक्षा के हैं,
गृह विज्ञान शिक्षा के हैं, तो ये अपनी प्रतिभाओं को खोजने में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी और अच्छा सर्वांगीण विकास का जो है बेहतर कार्य कर रहे हैं और प्रतिभाओं को खोज रहे हैं, उनको सामने निकल भी रही हैं प्रतिभाएं और हमारे सामने जो है सम्मुख प्रस्तुत भी हो रही हैं। आप शहीदों की नगरी से समस्त अनुदेशकों के लिए जो डिबेट चल रही है जी, हमें जो है अपनी संख्या बल दिखाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जुड़ना होगा, उससे जुड़ेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ पॉजिटिव सफलता मिलेगी और अच्छा रिजल्ट आएगा और सरकार भी हम लोगों को नियमित करेगी। और अनुदेशक भाई आपके आज जिला स्तर पर लगाए हैं? हमारे जिला स्तर पर कम से कम आज 100 अनुदेशकों ने जो है यहाँ पर निर्णायकों के रूप में प्रतिभा मतलब जो है प्रतिभाओं को निखारा है और जो है अपने अवगत कराना चाह रहे हैं। ये BPED के अनुदेशक हैं जो जूनियर स्कूल में अंशकालिक अनुदेशक के पद पे लगे हुए हैं। ये हैं तो अंशकालिक, सरकार मुझे अंशकालिक ही मानती है और अंशकालिक का ही मानदेय देती है। हम लोग फुल टाइम काम करते हैं और उसके बाद भी हम लोगों ने मानदेय 7,233.33 रुपया, इसलिए हम सभी अनुदेशक संगठन की तरफ से राज्य सरकार से पुनः मांग करते हैं कि हम अनुदेशकों का अनुदेशक के पद पर नियुक्तिकरण करने की कृपा करें। हम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के 2,000 रुपये बढ़ाए हैं, कुछ ऐसा समाचार आया है, क्या आप क्या संतुष्ट हैं उस 2,000 मानदेय से? इससे पहले विधानसभा इलेक्शन से पहले भी एक बार लखनऊ से सूचना पेपर के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि 17,000 का मानदेय कर दिया गया, लेकिन अभी तक वो भी नहीं किया गया और इलेक्शन से पहले ये अफवाह उड़ाई जा रही है, पेपर में निकाला गया है कि मानदेय वृद्धि हो गई है, संतोषजनक मानदेय वृद्धि हो गई है, 1,000, 1,500, 500 रुपये बढ़ोतरी की गई, ये सम्मानजनक वृद्धि नहीं है। हम आपसे सम्मानजनक वृद्धि नहीं मांग रहे हैं, हम अनुदेशक के पद पर विनियमितीकरण की मांग करते हैं। कोर्ट में मामला आपका चल रहा है तो कोर्ट में तो जाहिर सी बात है आपको विजय मिल चुकी और मिलेगी भी, क्योंकि एक जजमेंट अगर क्लियर हो जाता है तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो वही जजमेंट सेम फॉलो किया जाता है और वो लोग भी मान सम्मान रखते हैं। माननीय उच्च न्यायालय की प्रथम बेंच सिंगल बेंच द्वारा हम अनुदेशकों को मार्च 2017 से 17,000 रुपया और प्लस 9% में ब्याज देने के लिए आदेश आया है। उसके बाद राज्य सरकार अपील कर देती है डबल बेंच में मामला विचाराधीन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।